क्योंकि विद्या की देवी और बसंत पंचमी के दिन हम आज ये सरस्वती पूजा करते हैं और इसमें आप सब आए, आपका स्वागत नहीं, आपका और हमारा हम सबका सौभाग्य है कि हम एक साथ मिलकर सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। और इस विद्यालय के प्रांगण का नहीं, इस दादूपुर का नहीं, इस करनाल का नहीं, इस पूरे हरियाणा का सौभाग्य है, सिर्फ हरियाणा नहीं, सिर्फ देश नहीं, पूरे धरा का सौभाग्य है कि स्वामी जी जैसे व्यक्तित्व इस धरा पे जन्म लिए हैं। तभी सुबह उठते ही हम सब इस धरा को नमन करते हैं। स्वामी जी को सबसे पहले स्कूल की तरफ से, हम सब की तरफ से चरण स्पर्श है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि स्वामी जी मतलब अपने आप में एक चरित्र है, अपने आप में एक स्वभाव है, अपने आप में एक संस्कृति है, अपने आप में एक धर्म है, और जो सनातन धर्म है उसके लिए उन्होंने अपना समस्त जीवन निछावर किया है, समस्त जीवन समर्पित किया है। आज विद्यारंभम के प्रोग्राम में जब हम विद्यारंभम की सोच रहे थे तो हमें लगा कि ऐसे, क्योंकि बच्चे के अंदर सबसे पहले बहुत जरूरी है कि संस्कार आना, और अगर बच्चा संस्कारित है तो वो केवल परिवार नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व को सुचारू रूप से चलाएगा भी, और एक संस्कार का प्रभाव आने वाली हर पीढ़ियों में देगा। गुरुजी के परिचय के लिए, महाराज जी के परिचय के लिए मैं बहुत छोटा हूं, मैं इतना छोटा हूं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उनके बारे में बोलने का शायद क्षमा चाहता हूं कि पता हूं ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं दो चार शब्द आपके सामने से ज्यादा मैं उनके बारे में बोल नहीं पाऊंगा शायद आज, क्योंकि इस धरा पे स्वामी जी जो आए हैं, जो स्कूल में आए हैं, मतलब हम लोग सबके लिए सौभाग्य की बात है। स्वामी जी श्री श्री 108 महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी महाराज, जो कि विश्व के सुप्रसिद्ध प्रख्यात, सबसे ज्यादा हर अखाड़ा का उतना ही महत्व है पूरे सनातन धर्म में, लेकिन उसमें से एक अखाड़ा है जिसका नाम है पंचायती अखाड़ा निरंजनी, जिससे गुरुजी यहां आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी गुरुजी के बारे में जितना जाने उतना कम है, भी पता चला कि पहले इन्होंने शिक्षण देने का ही काम किया है और खुद अपने पीएचडी और हिंदी एंड फिलोसफी में पीएचडी है, डॉक्टरेट है, और धर्म के बारे में इनसे ज्यादा ज्ञान, मतलब मेरे जैसा छोटा आदमी यही कह सकता है इनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं मुझे दिख रहा है, और इनके बारे में, इससे ज्यादा के बारे में बताने के लिए और इस विद्यारंभ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्कूल के प्राचार्य श्रीमती रजनी शर्मा मैम का कि वो प्लीज आए, और स्वामी जी को यहां तक लाने डालने के लिए मैं विकास शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये खुद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, आयुष यूनिवर्सिटी में, और मतलब इनके साथ से हम ऐसे महानुभावों को, ऐसे मैंने अकल्पनीय, जिनका शायद आप सोचते हैं, सपनों में देखते हैं, वो अगर आपके सामने हो तो आप बोलने लायक कुछ नहीं रह जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल मैम से कि वो प्लीज आए और बाकी सारी बातें बताएं। थैंक यू वेरी मच।